तत्वार्थ सूत्र के सार को समझना है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी ने मंगलाचरण करते हुए इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, बल्कि विशेषणों को, गुणों को नमन करते हुए कहा कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, यानी मोक्ष मार्ग में स्वयं झंडा लेकर के आगे चले हैं, अर्थात जिनके हाथ में कोई झंडा नहीं होता, जो देह से विदेह बन जाते हैं, सिद्ध शिला पर निवास करने वाले मोक्ष मार्ग के नेता जो हैं वे सिद्ध भगवान कहलाते हैं। भेद तारम कर्म भूव्रताम, और कर्म रूपी पर्वतों का जो भेदन करने वाले हैं, जिनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ऐसे भगवान वीतराग। और तीसरा विशेषण उन्होंने दिया ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के सारे तत्वों के जो ज्ञाता हैं, ज्ञाता माने जानने वाले हैं। विश्व का कोई एक कोना ऐसा नहीं है, कोई एक अणु ऐसा नहीं है, कोई एक परमाणु ऐसा नहीं है जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से छूटा। अर्थात अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ क्या चल रहा है, वह सब जिनके दृष्टिगोचर हो रहा है, सिद्ध शिला के स्वामी बनकर जो सारे तत्वों को, पदार्थों को, हर एक के मन की बातों को जानने वाले हैं, ऐसे भगवान वीतराग स्वामी के चरणों में कहा तद गुण लब्धये वंदे, अर्थात उनके गुणों की लब्धये माने प्राप्ति करने के लिए मैं उन्हें वंदना करता हूँ। कौन से तीन विशेषण? मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, कर्म पर्वतों का भेदन करने वाले भेदता हैं, विश्व तत्वों के जो ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं, इन तीन विशेषणों से संयुक्त जो भी हो गए, चाहे वे तीर्थंकर भगवान रहे, चाहे साधारण मुनि रहे, चाहे सामान्य केवली रहे, जिन्होंने भी इन तीन विशेषणों को प्राप्त किया, उन सब की वंदना आचार्य उमा स्वामी ने किया। आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र पर कई टीकाएं हैं। आपको जानना है कि केवल इस एक मंगलाचरण के ऊपर अनेक ग्रंथ लिख दिए गए। इन तीन विशेषणों को भगवान के अंदर सार्थक भगवान ने कैसे किया, इसकी व्याख्या करने में सबसे पहले श्री समंत भद्र आचार्य ने आप्त मीमांसा नाम का ग्रंथ लिख दिया, जिसे देवागम स्तोत्र कहते हैं। 114 श्लोक हैं उसके अंदर एक मंगलाचरण पर, और उन 114 श्लोकों के ऊपर श्री अकलंक देव ने अष्ट सती नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें 800 श्लोक प्रमाण टीका है। और आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी हुए, उन्होंने इसी एक मंगलाचरण के ऊपर लिखे गए आप्त मीमांसा ग्रंथ के ऊपर अष्ट सहस्री ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? कौन सा ग्रंथ? बोलो, सब लोग बोलो, जो बोलने में भी कठिन लगता है और जिसे कष्ट सहस्री भी कहा, 8000 श्लोक प्रमाण जिसकी टीका है, बहुत कठिन टीका, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी पढ़ने से कतराते हैं, और जो पढ़ करके परीक्षा दे लेते हैं वे न्यायाचार्य कहलाते हैं, न्यायालंकार कहलाते हैं, न्याय तीर्थ की उपाधि से समन्वित हो जाते हैं। ऐसे अष्ट सहस्री ग्रंथ की हिंदी टीका आपके भारत की गौरव
गणी ज्ञानमती माता जी ने किया सन 1969 में। और जिस टीका को पढ़ करके देख करके भी हमारे आचार्यगण और अनेक विद्वान दांतों तले उंगली दबाते हैं कि हमारी समाज के अंदर कोई ऐसी आरिका हुई कि जिनके ज्ञान ने आज विद्यानंद आचार्य का युग याद दिला दिया और उन्होंने इस अष्ट सहस्री ग्रंथ की जब से हिंदी टीका कर दी तो अनेक लोगों ने न्याय तीर्थ, न्याय अलंकार, न्यायाचार्य की उपाधि की परीक्षाएं भी दी और वह अष्ट सहस्री ग्रंथ तीन भागों में प्रकाशित भी हुआ है। एक बार कोशिश करना कि हम पढ़ें और नहीं पढ़ सकें तो कम से कम अपने मंदिर की लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में जरूर उसको स्थान दे देना। अब मैं आती हूँ कि जब मंगलाचरण की इतनी महिमा है और उसके बाद जब उमा स्वामी आचार्य ने 10 अध्यायों में तत्वार्थ सूत्र का विवेचन किया तो उन सूत्रों पर अनेक आचार्यों ने अनेक टीकाएं लिखी। एक टीका है सर्वार्थ सिद्धि। कौन सी? कौन सी? सर्वार्थ सिद्धि। उसमें आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र पर सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी है। सबसे पहले उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर चाहते हुए और उसकी टीका का शुभारंभ किया। वे कहते हैं किम नु आत्मनः खलु हितम्। हे स्वामी, जैसे एक कोई शिष्य प्रश्न करता है कि हे स्वामी, इस संसार के अंदर आत्मा का हित क्या है, किसमें आत्मा का हित है, तब मानो उमा स्वामी आचार्य एक शिष्य के प्रश्न पर सूत्र की रचना करते हैं। प्रथम सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर इस सूत्र को पढ़ना। एक बार दोबारा उच्चारण कीजिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। अर्थात यह टीका करने वाले की प्रतिभा शक्ति होती है कि कैसे हम उसके डिटेल को, विस्तार को करते हुए लोगों के हृदय में उन सूत्रों को बिल्कुल उतार दें। तो शुरुआत की कि आत्मा का हित किसमें है, तो उमा स्वामी आचार्य के सूत्र का शुभारंभ किया। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये मोक्ष के मार्ग हैं। मोक्ष का मार्ग एक है, रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहा। इसलिए चारित्राणी में तो बहुवचन लिया, लेकिन मोक्ष मार्ग एक वचन है। क्यों पंकज जी? मोक्ष मार्ग एक वचन है। ये तीन तो है, सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है, सम्यक चारित्र अलग है, लेकिन तीनों की एकता जब हो जाती है तो एकता मोक्ष का मार्ग बन जाता है। इसलिए मार्ग एक है और उस मार्ग के विषय में कुछ विसंवाद भी हो गए। किसी ने कहा इस रास्ते चलो, किसी ने कहा इधर से चलो, किसी ने कहा सामने चलो, तो उस विवाद को भी हमारे टीकाकारों ने उमा स्वामी की भाषा को लेकर के समाप्त किया कि नहीं, केवल सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं होगा, केवल सम्यक ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा और केवल सम्यक चारित्र से मोक्ष नहीं होगा। जहां तीनों की एकता हो जाएगी, यानी रत्नत्रय के रूप में त्रिवेणी का संगम जहां बहने लग जाएगा, बस वहीं मोक्ष का मार्ग साकार हो जाएगा। पंचम काल में यद्यपि मुक्ति सुलभ तो नहीं है, फिर भी आत्म कल्याण यहां दुर्लभ नहीं है। मोक्ष का रास्ता बंद है, लेकिन मार्ग जो है, यानी
मोक्ष में बिल्कुल घुसने का जो दरवाजा है वो बंद है, पर हमारे आचार्यों ने कहा कि रास्ते पर चलते रहो, जब दरवाजा खुल जाएगा, खिड़की खुल जाएगी मोक्ष की, तो आपका प्रवेश बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए मोक्ष नहीं लेकिन मोक्ष का मार्ग है, ये समझना, मोक्ष नहीं मोक्ष का मार्ग है। और इसीलिए हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बहुत कहा कि आपने खूब कहानियां सुनी, राजा रानी की कहानी सुनी, देवता ऋषियों की कहानी सुनी, परियों की कहानी सुनी, पशु पक्षियों की कहानी सुनी, लेकिन नहीं सुना तो क्या नहीं सुना, आत्मा की कहानी नहीं सुनी, आत्मा की कहानी नहीं सुनी। उन्होंने समय सार में कहा कि हे भव्यात्मन, शुद्ध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंद कहा, हे भव्यात्मन काम भोग बंद की कथाएं आपने खूब सुनी, इनसे श्रुत परिचित अनुभूत हैं। अगर किसी के बच्चे की शादी हो तो मैं समझती हूँ यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसी महिला नहीं होगी जो विवाह की रस्मों को ना जानता हो। सब एक से एक बढ़ करके आगे आगे बताएंगे कि शादी में ऐसा होता है, दो लोगों को बंधन में बांधने के लिए ये कुछ किया जाता है, सब कुछ जानते हैं, यानी संसार की कथाओं को सब जानते हैं क्योंकि अनादिकाल से करते आए। इसलिए ये श्रुत हैं, परिचित हैं, अनुभूत हैं, काम भोग बंद की कथाएं हम जानते हैं। जन्म लेते ही बच्चा माँ के स्तन में मुंह लगा लेता है, उसे माँ सिखाती नहीं, उसे कोई सिखाता नहीं, ये अनादिकाल के सांसारिक संस्कार हैं, अविद्या के संस्कार हैं, भोग के संस्कार हैं। और यदि नहीं सुना तो हे भव्यात्मन क्या नहीं सुना, तो अगली लाइन में कहते हैं आचार्य कुंद कुंद देव, एत तस्वर्णंभो नवरिन सुलहो विहत तस्, एकत्व विभक्त, यानी एक आत्म तत्व जो शुद्धात्म तत्व है, जो भगवान का सूचक है, जो परमात्मा का सूचक है, ऐसे शुद्धात्मा की कथा को हे भव्यात्मन आपने नहीं सुना, उससे परिचित नहीं हुए, उसको सुनाने वाले भी दुर्लभ हैं और सुनाने वाले मिल जावे तो सुनने वाले और भी ज़्यादा दुर्लभ, और सुनने का भी अवसर मिल जाए तो गुनने वाले और दुर्लभ हैं। कभी नींद आ जाती है, कभी आलस आ जाता है, कभी मूर्छा आ जाती है, कभी समय नहीं रहता है, तो इन सब के लिए इसीलिए हमारे पर्व आते हैं आप में घंटी बजाने के लिए। कॉल बेल घर के बाहर लगी रहती है तो स्विच पर कोई आने वाला मेहमान जो है स्विच पर पहले प्रेस करता है, दबाता है, घंटी बजती है अंदर, किसी ने घंटी बजाई, कोई सो रहा होता है अंदर, घंटी बजाई पता चला, उसके बाद भी दरवाज़ा खोलने की स्थिति नहीं, अरे किसने घंटी बजा दी, किसने बाधा पहुंचा दी, फिर दोबारा घंटी बजती है, थोड़ी ज़ोर से बजती है, उठने का प्रयास किया जाता है, देखो कोई तो मेहमान आया है, हमें उठना चाहिए, फिर थोड़ा आलस आता है, लेकिन तीसरी बार जब घंटी और तेज़ से बजती है तो उठना ही पड़ता है, दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है, मेहमान को अंदर लाना ही पड़ता है। ऐसे ही ये पर्व आया है, तीन बार आया, माघ के महीने में आया, सोचा रे चलो जिनको व्रत करना है वो करते रहेंगे, अपने को क्या करना, कभी ज़्यादा और घंटी बजी, चैत के महीने में आया, चलो अपन पूजा कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञानमती माता जी पारस चैनल में हमेशा जाप कराती हैं, तो कम से कम चलो जाप कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। लेकिन जब तीसरी बार तेज घंटी बजती है, तब भादों के महीने में
तेज घंटी क्यों बजती है? क्योंकि तब साधु संत चातुर्मास में होते हैं, आपके पास भी थोड़ा समय हो जाता है, आप भी सोचते हैं कि चाहे अपने घर में चाहे कहीं बाहर जा करके हमें ये दशलक्षण पर्व मनाना है, क्योंकि आपके कान में तेजी से अब घंटी बजाई गई। स्वामी जी ने कई दिनों तक विज्ञापन कर दिया, तेज घंटी बजा दी कि आइए तीर्थ पर अपनी आत्मा को तीर्थ बनाने के लिए विधान कीजिए, ज्ञानमती माता जी से कुछ जानिए, कुछ सुनिए। तो ये क्या है? तीसरी घंटी है। तीसरी घंटी में आप आए, आए मीन्स आप तो लिमिटेड आए हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर और जहाँ जहाँ संतों के चातुर्मास हैं वहाँ तो घंटी इतनी तेज बजती है कि सारा दिन बजती ही रहती है, और फिर जाके केवल सोने के समय घंटी बंद होती है। अभी देखो आपने कितनी देर विश्राम किया, आप यहाँ से 1:30 बजे गए, उसके बाद भोजन किया होगा, मैं समझती हूँ आपको विश्राम का शायद 15 मिनट भी समय नहीं मिला होगा, और यहाँ से दीदी ने फिर घंटी बजा दी, यानी कि पूजन चालू कर दी। चलो आओ फिर से शांति सागर प्रवचन हाल के अंदर अब फिर कार्यक्रम शुरू होने वाला है। यहाँ से आप जाएंगे, पानी वानी लेंगे, उसके बाद फिर घंटी बज जाएगी, माने फिर आरती होने लगेगी, फिर आपके सामने कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हंसते खेलते और धर्ममयी जीवन व्यतीत करते करते कैसे समय बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा, एक दिन बीत जाएगा, कल फटाफट दूसरा दिन दशलक्षण का आ जाएगा। ऐसे करके ये धर्म का सीजन आया और तीसरी घंटी बज गई, पर मैं समझती हूँ कि इन आचार्यों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। 10 धर्मों को 10 दिन में डिवाइड किया और तत्वार्थ सूत्र को भी 10 दिन के अंदर सुनने के लिए आपको बाध्य किया, क्या जानो तो सही इसके अंदर क्या है, वरना जो समाज की वृद्धा महिलाएं होती थी वो बेटा मुझे सुत्तर जी सुना दो। आपने भी किसी को सुत्तर जी सुनाया है, पढ़ा है? मैं भी सोचा करती थी बचपन में, 7-8 साल की उम्र में ही मंदिर गई तो 1-2 बुढ़िया माता जी मिल जाती थी और कहती बेटा सुत्तर जी सुना दो। अरे हमें क्या जरूरत है सुत्तर जी सुनाने की? लेकिन एक बार एक माँ ने कहा बेटा सूत्र जी सुनाओ, हम 1 उपवास का फल प्राप्त कर लेंगे और तुम सुनाओगी तो तुम्हें भी बहुत पुण्य मिलेगा। हमने कहा चलो, अरे जब माँ इतना कह रही है तो इसको सुना देते हैं। तत्वार्थ सूत्र सुनाया तो ऐसा लगा कि हमारे ऊपर कितना उपकार किया है आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, जो बता रहे हैं कि तन्नि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो तत्व हैं पदार्थ हैं इन पर श्रद्धान करो, आपके अंदर सम्यक दर्शन मिल जाएगा। अब श्रद्धान करना कितना सरल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते जाओ, हमें तो जो माता जी ने कहा वही ठीक है, जो आचार्य ने कहा उसमें कोई मीन मेक निकालना नहीं, यही तो सम्यक दर्शन है। कहीं इधर उधर हुए, अपनी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हुई, वहीं बस सम्यक दर्शन अपना बिगड़ने लग जाता है। तो सम्यक दर्शन एकदम सरल भी है, और अगर मन बिगड़ने लगा तो सम्यक दर्शन अत्यंत दुर्लभ भी है। फिर उन्होंने क्या कहा, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, उस सम्यक दर्शन के 2 भेद करो, निसर्गज और अधिगमज, जो अपने आप हो जाता है पिछले जन्म से मिल गया या कुछ पूर्व के संस्कारों से मिल गया, निसर्गज सम्यक दर्शन। अधिगमज, हमने पुस्तक पढ़ा, हमने गुरु के उपदेश सुने, हमने किसी का प्रवचन सुन लिया और अपने आत्मा के अंदर एकदम श्रद्धान हो गया, वह अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है। यदि यह अधिगमज सम्यक दर्शन भी हो गया तो समझो कि आपका उपदेश सुनना एक देशना लब्धि का कार्य कर जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई ये सूत्र क्यों कहे गए, कहने का अभिप्राय क्या है, हम एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हैं उसके अंदर इन सूत्रों को पढ़ने की जरूरत क्या है?
उसके लिए उमा स्वामी आचार्य का कहना है कि देखो आपकी तिजोरी के अंदर धन है, आपकी तिजोरी के अंदर माँ बाप ने धन रख रखा है, उस तिजोरी के धन को नहीं जानोगे तो आप भिखारी बने रहोगे। तो तिजोरी में छिपे धन को जानना, उसका सदुपयोग करना ये जरूरी है। उसी प्रकार से एक ये तिजोरी है, धर्म की तिजोरी, इसमें जानना कि आप ही के पास है। जीव जीवा जीवाश्रव बंद संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, सात तत्व हैं और जीव आपके पास है, जो आपके शरीर के अंदर छिपा है ना, दिखता नहीं है, ये जीव है, आत्मा है। अगर जीव निकल जाए तो मुर्दा हो जाएगा शरीर, इसको जानना, जानना है कि नहीं, तो अपने पास ही है, अपनी तिजोरी के अंदर ही है। अजीव ये पुद्गल का शरीर अजीव है और दोनों का संबंध जुड़ा है, जीव और पुद्गल का, तो संसार और उसको छूटने से मोक्ष। तो आचार्य ने कहा किन सात तत्वों को जानो, जीव और अजीव मिलकर के किस प्रकार से आश्रव करता है, कर्मों को बुलाता है, आओ मेहमान आओ आओ आओ, तो मेहमान आने लगते हैं, यानी शुभ शुभ परिणाम किए तो अच्छे कर्म आए, बस यही आश्रव है। अशुभ परिणाम किए, संक्लेश किया, आर्त ध्यान किया, अशुभ परिणाम आए, ये अशुभ कर्म का आश्रव हो गया, पाप का आश्रव हो गया। सब लोग जानते हैं कि पुण्य और पाप दो ही चीजें हैं, तो आश्रव को जानो और उसके बाद आए कर्म उनका परस्पर में संश्लेष हो गया, हम गले मिल गए, मेहमान आया उसको उसका सत्कार किया, बैठ गए, एक दिन दो दिन चार दिन रुक गए, ऐसे ही कर्म आए उनका हमने सत्कार किया, वो कर्म रुक गए, बस इसी का नाम है बंध। संवर, उब गए उन कर्मों से, व्रतों को पालन करना, अणुव्रत अष्टमूल गुण महाव्रत, इनको धारण करने से कर्म जो आते हुए कर्म थे वो रुक गए, रोकना जरूरी है, आते जाएंगे कचरा इकट्ठा होता चला जाएगा। हमने संतों से प्रवचन सुना कि जब तक कर्मों को आते हुए रोकोगे नहीं, आपका पाप का मैल इकट्ठा हो जाएगा, कोई डिटर्जेंट पाउडर आपको नहीं मिलेगा जो उस मैल को साफ कर सके। थोड़ा थोड़ा गंदा हुआ आत्मा तो उसको धोते चलेंगे तो साफ हो जाएगा। कर्मों का समर करो, आते हुए कर्मों को अब रोक दो कि हमारे पास अभी बहुत सारा माल है, अभी पहले हम उसको निकाल दें, उसके बाद में देखा जाएगा। तो यही तो संवर है, आते हुए कर्मों को रोक देना। निर्जरा, व्रतों के द्वारा, शुभ परिणामों के द्वारा, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा कर्मों की निर्जरा। एक तो निर्जरा क्या है कि पेड़ में आम पक गया अपने आप गिर जाएगा, अपने आप कर्म वैसे ही झड़ जाएंगे, और एक है तपस्या से उनको जल्दी झाड़ देना, ऐसी निर्जरा होती है। और जब सारे कर्म झड़ जाएंगे तो क्या होगा, मोक्ष। अब ये सात तत्व हैं, इन सात तत्वों के ज्ञान के लिए उमा स्वामी आचार्य ने कहा कि मैंने ये आपकी ही तिजोरी में छिपे, आत्मा की तिजोरी में छिपे हुए या धर्म की तिजोरी में छिपे हुए इन तत्वों के बारे में बताने के लिए इस तत्वार्थ सूत्र की रचना शुरू की है। सूत्र रूप वाणी कहना बहुत कठिन है, डिटेल में तो कहना बड़ा सरल है, लेकिन सूत्र कह करके और उसके अंदर बहुत सारा अर्थ समाविष्ट कर देना ये बड़ा कठिन है। तो ऐसे सूत्र रूप वाणी को कह करके उमा स्वामी आचार्य ने जो 33 सूत्र इस अध्याय के अंदर कहे हैं, मैं पूरा एक एक अध्याय पर तो एक एक महीने प्रवचन चलता जाए तो भी कम है, लेकिन प्रमुख रूप में आपको जानना है कि हमारे एक आचार्य अमृत चंद्र सूरी हुए, उन्होंने
तत्वार्थ सूत्र के ही समान तत्वार्थ सार नाम के ग्रंथ की रचना की है और उन्होंने श्लोकों में वर्णन किया। उन्होंने अंत में पहले अध्याय के अंत में क्या कहा, सम्यक योगो मोक्ष मार्गम प्रपित्सुर न्यस्ताम नाम स्थापना द्रव्य भावई स्यादादस्थाम प्राप्य तैस्तैरुपायी प्राग जानीयात सप्त तत्वान क्रमेण। क्या कहते हैं, मोक्ष मार्ग में प्राप्त होने की इच्छा रखने वाला मनुष्य पहले तो ज्ञानादि गुणों को सम्यक बना ले, यानी सम्यक दर्शन होगा तभी ज्ञान और चारित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र बनेंगे। बाद में नाम स्थापना द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपों के द्वारा चारों प्रकार से वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर लेवे। फिर प्रमाण और नय रूप सप्तभंगी साद्वाद एवं नैगम आदि के द्वारा सातों तत्वों को समझकर निर्देश आदि छह तथा सत संख्या आदि आठ उपायों के द्वारा सात तत्वों को समझें, यही इस अध्याय का समझो सार है। अब सार में सार आपको क्या जानना है, देखो सार में सार जानना है, संसार पूर्वक मोक्ष होता है। जो संसारी जीव है वही संसार को नष्ट करके, संसार का अंत करके मोक्ष में जाता है। मोक्ष पूर्वक मोक्ष नहीं होता, जो मुक्त ही है उनका क्या मोक्ष होगा। और हर मोक्ष हुआ, मोक्ष को प्राप्त हुआ प्राणी पहले संसारी था हमारे और आपकी तरह से, और जब उसने धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पर चलना शुरू किया तब एक दिन कर्मों का अंत करके मोक्ष में पहुंच गया। इसलिए संसार पूर्वक मोक्ष होता है ये जानना। मलिन शरीर से निर्मल आत्मा प्राप्त होती है। क्या शरीर मलिन है, रोगी शरीर से पूर्ण स्वस्थ आत्मा प्राप्त होती है, अस्थिर शरीर से स्थिर आत्मा प्राप्त होती है। मलिनेण निम्मलम अथिरेण थिरम। और संसार संसारी आत्मा ही मोक्ष को प्राप्त करता है ये जानना है। दूसरी बात, आप सब की आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान छिपा हुआ है। जैसे आकाश में सूर्य अपनी रश्मियों के साथ हर वक्त रहता है, जब बादल उसके सामने आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। या हमारे भारत क्षेत्र के आर्यखंड से चलते चलते सूर्य पश्चिम में चला जाता है, पूर्व से उदित होकर पश्चिम में चला जाता है तो हमारे यहाँ अंधेरा हो जाता है और रात हो जाती है। लेकिन सूरज सूरज नहीं गया, सूरज तो कहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर ज्ञान रूपी सूर्य एकदम चकाचक प्रकाशमान है। बस क्या है कि ऊपर आवरण छिप पड़ा हुआ है। आवरण माने पर्दा, कोई वस्तु है उसके ऊपर पर्दा पड़ा है तो चीज नहीं दिख पाती। आपको जरा सा कैमरा सामने आता है तो आप कहते हो कैमरामैन से हट जाओ, माता जी का मुंह नहीं दिखता। यानी जरा सा भी आवरण बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम साक्षात किसी चीज को देखना चाहते हैं। ऐसे ही आत्मा का साक्षात करने वाले जो महामुनिराज हुए, तीर्थंकर बनने वाली महान आत्माएं हुई, उन्हें आत्मा के अंदर छिपे ज्ञान के सूर्य पर आवरण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए वे चले मोक्ष मार्ग पर। तो जैसे जैसे जितना जितना ज्ञान का आवरण हटता है उतना उतना ज्ञान होता चला जाता है। समझो आपने सूत्र पढ़ा, कोई सूत्र का एक अक्षर या एक मात्रा आपकी गलत थी, आपने आज पढ़ करके उसको सुधार लिया
तो वो जो स्वर के ऊपर, व्यंजन के ऊपर, मात्रा के ऊपर आवरण पड़ा था वो हट गया, तो वो साफ हो गया, क्लियर हो गया, तो आपका वह ज्ञान उतना प्रकट हो गया। ऐसे करके मति और श्रुति ज्ञान जो आज सबके पास हैं, आपको जानना है कि ज्ञान कितने होते हैं? पांच ज्ञान होते हैं, सम्यक ज्ञान पांच होते हैं, और सामान्यतया लेंगे तो आठ ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरि ज्ञान, केवल ज्ञान, इनमें से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान ये तीन मिथ्या रूप भी होते हैं, तो तीन सम्यक ज्ञान और तीन मिथ्या ज्ञान, ऐसे छह ज्ञान और मनःपरि और केवल ज्ञान ये मिथ्या होते ही नहीं, ये तो सम्यक ही सम्यक रहते हैं, क्योंकि इनके होते ही आत्मा के सारे आवरण हट जाते हैं, या यूं समझिए कि सारे आवरण हटते ही आत्मा के अंदर केवल ज्ञान प्रकट होता है, और उससे पूर्व की अवस्था में मनःपरि ज्ञान, जब विपुल मति मनःपरि ज्ञान प्रकट होता है, तो समझो उसको निश्चित रूप से केवल ज्ञान होने ही वाला है। तो सबसे पहले इसमें मति ज्ञान के भी चार भेद कर दिए, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। आपने पढ़े होंगे मति ज्ञान के कुल भेद कितने होते हैं? 336। कुल कितने भेद होते हैं मति ज्ञान के? 336 भेद होते हैं। और इसी तत्वार्थ सूत्र की पहली अध्याय में हमने सूत्र रूप में पढ़ा है, आप केवल संक्षेप में उसे जान लीजिए, और अगर आपके पास कॉपी और पेन पहुंच गए हैं तो आप उनको लिख भी लीजिए, क्योंकि आज के मानव के अंदर मति और श्रुत ये दो ही ज्ञान हैं। कितने ज्ञान हैं आपके? मति और श्रुत। अब जो सम्यक दृष्टि हैं उनके सुमति सुश्रुत ज्ञान है, जो मिथ्या दृष्टि हैं उनके कुमति और कुश्रुत ज्ञान होता है। किसी की बुद्धि केवल जीवों को मारने की, मारण के उपाय बताने की, या अश्लील गाने बनाने की, या लोगों को नष्ट भ्रष्ट करने की बुद्धि होती है, समझो उसको कुमति और कुश्रुत ज्ञान है। ज्ञान पाया लेकिन आतंकी बुद्धि पा गए, तो वो ज्ञान अपना मिथ्या ज्ञान बन गया। ज्ञान पाया, थोड़ा सा भी पाया, लेकिन हमने प्रभु की स्तुति में, देवशास्त्र गुरु के गुणानुवाद में हमने अपने ज्ञान का उपयोग कर लिया, तो वो ज्ञान क्या है? सुमति ज्ञान, अच्छा ज्ञान है, सुश्रुत ज्ञान है, और वह ज्ञान अपने लिए भी अच्छा होता है और दूसरों को भी, उनका जो भी उसकी संगति में आते उसका भी बेड़ा पार कर देता है। ऐसे अवधि ज्ञान भी है, देव और नारकियों को तो जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, मिसयूज, यानी कुअवधि ज्ञान का एक जीता जागता सच्चा उदाहरण। उसे खून की बूंद पड़ते ही जो शांति महसूस हुई, उसने अपनी धारणा क्या बना ली? आज तक कोई दवा मुझे फायदा नहीं की, इस खून ने मुझे शांति पहुंचाई है। इसका मतलब क्या है कि मैं खून के सरोवर में डुबकी लगा लूं तो मेरे शरीर की दाह खत्म हो जाएगी। अब वो क्या करता है कि अपने बेटे को बुलाता है और बेटे से कहता है, बेटा तू मेरा आज्ञाकारी पुत्र है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ मैं कहूँगा मेरी सेवा तू जरूर करेगा। बेटे ने कहा, पिताजी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आप सुखी रहें बस, और मेरे से जितना भी बनेगा मैं करूँगा। तो पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, ऐसी ऐसी बात है, आज खून की एक बूंद से मेरा दाह जो थोड़ा सा खत्म हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम खून की बावड़ी तैयार करो। एकदम सुनते ही सुन्न हो गया उसका माथा बेटे का, पिताजी क्या कह रहे हैं, मैं कैसे आपके लिए खून की बावड़ी बनाऊंगा। पिताजी कहते हैं, घबराओ मत, सुनो, और
अपने राज्य के बाहर ही देखो एक जंगल है, जंगल के अंदर मुझे यहाँ से दिख रहा है मैं दिव्य ज्ञानी हूँ, यहाँ से मुझे दिख रहा है खूब सारे हिरण हैं, और उन हिरणों को ले जा करके जाल बिछाओ और उन हिरणों को पकड़ करके लाओ, कई सारे बहेलिए ले जाओ उनको पकड़ के लाओ, उनको सबको मार के एक खून का सरोवर तैयार करो, मैं उसके अंदर डुबकी लगा करके अपने दाह चर को समाप्त करूँगा। बेटा बड़ा परेशान हो रहा है और वो जंगल में जाता है, वास्तव में देखता है यहाँ तो बहुत सारे हिरण हैं। जंगल के एकदम लास्ट में अंतिम भाग में पहुँचा तो देखता है एक पाषाण खंड पर एक मुनिराज बैठे। मुनिवर से कहा कि मुनिराज मेरे सामने ऐसी समस्या है, मेरे पिताजी को पता नहीं क्या हो गया, वो कह रहे हैं इन हिरणों को लाओ मारो और मुझे खून की बावड़ी में स्नान कराओ, पिताजी ने ऐसा मुझे आज्ञा दिया है। मुनिराज मैं क्या करूं, मेरे सामने धर्म संकट है, मैं हिंसा नहीं करना चाहता जीवों की और पिता के वचनों की भी रक्षा हो जाए, कैसे करूं? मुनिराज ने ध्यान लगाया, अपने अवधिक ज्ञान से जाना कि तेरे पिता को कुअवधि हो गई है, नरक में जाने वाला है। बोले कि महाराज जी पिताजी को दिव्य ज्ञान हुआ है, उन्होंने तो सारे जंगल की बात जान ली, वो तो घर में बैठे हैं लेकिन जंगल में इतने सारे हिरण हैं वो जान लिया। मुनिराज ने कहा हाँ बेटा ऐसा ही होता है, लेकिन पहचान क्या है, जाके उनसे पूछना कि क्या वहाँ एक मुनि बैठे ध्यान कर रहे हैं, वे भी तुमको दिखते हैं। उसने जाके पूछा पिताजी से, एक मुनि वहाँ ध्यान कर रहे हैं जंगल में जहाँ हिरण खूब सारे हैं। बोले होंगे कोई मुनि उनी, मुझे नहीं दिखते, सारे जंगल में हिरण ही हिरण हैं। लगा कि हाँ महाराज जी ने सही बात कही, आके महाराज को बताया कि महाराज जी सही बात है, उनको आप तो दिख ही नहीं रहे, उनको सुहा ही नहीं रहा कुछ, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हिरणों को ला करके मारो, बावड़ी तैयार करो, उसके अंदर मैं स्नान करूँगा, डुबकी लगाऊँगा, मेरा दाह ज्वर खत्म हो जाएगा। अब बड़ा धर्म संकट। मुनि ने कहा मैं एक पल को भी तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता कि तुम इतने सारे जीवों की हिंसा करो, कुछ उपाय सोचो, क्योंकि आपके पिता तो नरक में जाने वाले हैं ही हैं। तो बड़ा दिमाग लगाया, एक जैन मंत्री की सलाह मिली, युवराज आप ऐसा कीजिए कि न सांप मरे न लाठी टूटे। क्या बोले क्या करूं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। उन्होंने कहा ऐसा करो लाख लाओ, लाख भी लाल लाल होता है, लाख के कंगन पहनते ना, उसको गला दो, उसको पिघला दो और उसकी बावड़ी तैयार कर लो, और फिर उसके बाद अपने पिता को कहना कि चलो नहलाते हैं। तो उस पुत्र ने यही किया और अपने पिता से जाकर कहा पिताजी बावड़ी तैयार है। बोले मैं समझता था बेटा तू मेरा आज्ञाकारी पुत्र है, और जल्दी जल्दी उठे, अपने वस्त्रों को भी नहीं उतारा, अपने अस्त्र शस्त्रों को भी नहीं उतारा, और एकदम सब अस्त्र शस्त्र सहित एकदम जाके कूद पड़ा उस बावड़ी के अंदर, और उसने जाकर के कुल्ला भरा। बड़ा आनंद आ रहा था उससे कि खून की बावड़ी तैयार हुई है, अब तो मेरा दाह ज्वर समाप्त हो जाएगा। जैसे कुल्ला भरता है जान जाता है अपने पुत्र की ये मायाचारी, एकदम बहुत गुस्सा आता है, मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, और एकदम अपने पुत्र को मारने के लिए निकला और उसकी तलवार उसी को लग जाती है और वो मर करके नरक में चला जाता है। ये था कुअवधि ज्ञान। ज्ञान तो था लेकिन उस ज्ञान में कितनी विपरीतता थी, कैसा गलत संबंध था ज्ञान का बाहरी चीजों से। तो ऐसे कुअवधि ज्ञान के बारे में भी बताया कि अवधि ज्ञान भी विपरीत होने से कुअवधि रूप धारण कर लेता है। ऐसे कुमति और कुश्रुत ज्ञान भी हैं, जो गलत गलत काम शास्त्र वगैरह रचे जाते हैं तो समझो कुश्रुत ज्ञान है, कुमति ज्ञान होता है। तो इस प्रथम अध्याय के अंदर इन
ज्ञानों का भी विवरण करके विस्तार से वर्णन करके जिसे टीकाकारों ने अपने और टीका ग्रंथों के माध्यम से बहुत विस्तार में बताया है। आप कभी सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ वृत्ति, राजवार्थिक इन ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आजकल हमारे पंकज जी जो हैं स्वाध्याय में सर्वार्थ सिद्धि अभी चल रही ना, सर्वार्थ सिद्धि की टीका से स्वाध्याय कराते, पूरे देश के लोग जुड़ते हैं, स्वाध्यायी बनते हैं, कितना आनंद होता है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। अगर ज्ञान का व्यसन लग जाए तो चार लाइन भले ही पढ़ें लेकिन उसको पढ़े बिना नींद नहीं आ सकती आपको। ऐसे तत्वार्थ सूत्र को जरूर पढ़ना और इसमें साद्वाद शैली के द्वारा, नयों के द्वारा जो वर्णन किया गया है वस्तु तत्व का, सात तत्व और नौ पदार्थों का, उन सब को पढ़ करके अपनी बुद्धि सम्यक बने। हम सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का परिपालन करके मोक्ष मार्गी बने, यही इस अध्याय को पढ़ने का सुनने का सार है। अब इस अध्याय के सार को समझ करके आचार्य श्री उमा स्वामी के प्रति नतमस्तक होते हुए उनके सूत्र ग्रंथ का सार एक अध्याय में ज्ञान के प्रकरण को जानकर हम सम्यक ज्ञानी बने, इसी भावना के साथ इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे प्रथमोध्याय समाप्तः।